Welcome to the Celeb's Couch. दिल्ली हो या मुंबई, चंडीगढ़ हो या चेन्नई, भाई इंडिया छोड़ो, इनके फैंस तो आउट ऑफ इंडिया भी हैं। इंस्टा रील में इनकी एक्टिंग करती है कमाल, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें बवाल। जी हाँ, मैं बुलाने वाला हूँ नन अदर देन रायपुर के हीरो समीर शेख को, और उनके साथ होंगी छत्तीसगढ़ की टॉप मोस्ट एंकर में से एक, जिनकी एंट्री ही कुछ अलग होने वाली है। जी हाँ, जब ये स्टेज में चढ़ती है ना तो लोग हिल जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी के आगे कुछ भी नहीं टिकता। एग्जैक्टली, मैं बुलाने वाला हूँ आरुषि को। सो प्लीज वेलकम आरुषि एंड समीर टुगेदर। वेलकम। थैंक यू। तालियां हो जाए। तालियां हो जाए, बिल्कुल। थैंक यू। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, दिमाग में क्या आया जब मेरा कॉल आया? तो पता नहीं कौन सा शो लेके आ रहा है ये, कौन सा शो की इंक्वायरी करने वाला है, वेडिंग है, कॉर्पोरेट है, लेकिन जैसे यूजुअली हम बात करते हैं एक्चुअली, बट इस बार तो कुछ अलग ही बम फोड़ा तुमने। हां, सेलेब्स काउच। हां, तो एक बार सोच रहा था ना अमन के लिए। हां, ओके। समीर, आपको क्या लगा कि कॉल आया एंड ऑल सारा? हाँ, जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार रायपुर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों ना जाया जाए। तो फिर मैं आया। यूजुअली आप इंस्टाग्राम में मैसेज के रिप्लाई नहीं करते हैं लोगों के, ऐसे मैंने सुना है। बट मैंने मैसेज ड्रॉप किया था, लकीली दो दिन में रिप्लाई आ गया था। आपका कोई दोस्त है? हाँ हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था। ओके। तो उसका जब मैंने मैसेज पढ़ा, बोला ये क्या है करके, फिर जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा ना, मैं बोला करना चाहिए, अगर हमारे शहर में कुछ ऐसा हो रहा है। पहला आपने उसका मैसेज पढ़ा था? हाँ, उनका पढ़ा, फिर उसके बाद हुआ है। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली लिंक्स नहीं था, तो मैंने बोला कि मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। It was good. मतलब बहुत अच्छा था, और फाइनली आप दोनों यहाँ पर हो। मेरी किस्मत अच्छी है। मेरी किस्मत बहुत लकी है ना, हम दोनों साथ में आज। सीरियसली, आज मैं बहुत फीका पड़ने वाला हूँ, मुझे बहुत यू नो नर्वस हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ, नर्वस होते हैं। कूल। सो ओके, सो मैडम बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं आपके, बहुत टीवी इंडस्ट्री में से लेकर के एड शूट से लेकर के बहुत सारा आपने किया है। एंकरिंग ही कंटिन्यू करना क्यों मतलब लगा आपको, या फिर एक्ट्रेस का जो आपका था वो उसको आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक्ट्रेस का कभी था नहीं, इनफैक्ट एंकरिंग का भी नहीं था। एंकरिंग वाज समथिंग जो मैं कहूंगी विच वॉज डेस्टिन टू मी, डेस्टिनी ने चुना है मेरे लिए। मैं तो MBA करने जा रही थी, फीस दे के आ चुकी थी, एक शो ऐसी टाइम पास के लिए किया था, फिर शोज पे शोज आने लगे, एक पैशन बन गया कि नहीं यार मजा तो इसमें है, जॉब नहीं होगा, किसी के अंडर काम नहीं है, 9 to 5 वाला तो नहीं करना है। तो वी आर हम बॉस हैं अपनी लाइफ के, और वाकई में जब आप स्टेज में चढ़ती है ना तो यू आर अ लेडी बॉस, पता है सारे लोग आपको देख रहे होते हैं वहाँ पे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे लेडी गागा भी बुलाते हैं, कोई लेडी डॉन भी बुलाता है। यू डिजर्व इट। समीर भाई, मुंबई से वहां वापस रायपुर, कैसी रही अभी तक की जर्नी पूरी? बहुत बेकार। बहुत बेकार क्यों? बहुत घटिया। ऐसे कि मुंबई गया मैं, एक्टिंग का मैंने पूरा कोर्स किया और वहां रहा, सब चल ही रहा था, ऑडिशन सब चल रहे थे, उतने में आ गया कोविड। तो जैसे ही वो आया तो मुझे रायपुर आना लगा, आना पड़ा। तो क्या है ना, वहां पर कोई था नहीं तो मुझे रायपुर आना पड़ गया, और उस वजह से फिर 1 साल 2 साल मुझे यहीं रहना पड़ गया। तो वहाँ का रेंट से लेके सारी चीज़ें, घर में रह रहे, तो मैं बोला छोड़ो यार, रायपुर ही में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे कि आपने ये शो लेके आया है, जैसे कि और भी चीज़ें आप करोगे या और भी लोग करेंगे ये सब चीज़ों को देख कर, तो ठीक है ना, यहीं रह के करते ना, ऐसा कुछ करेंगे कि वहाँ के लोग हमको बुलाएंगे यहाँ से। सही बात है यार, सही बात है। सो एंकरिंग के लिए बहुत मेहनत लगती है, अपन जानते हैं उस चीज़ को, बहुत से लोग जस्ट मैसेज करते हैं हमें भी एंकर बनना है, तो उनके लिए क्या बेस्ट जवाब होना चाहिए? उनके लिए वैसे ही जवाब है कि देखो भैया, आई कैंडी बनना है तो कल बन जाओ, एंकर आपको कोई बना नहीं सकता। अगर आपके अंदर पैशन है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और अपने काम के प्रति प्यार है, लगन है, तो भी आप एंकर बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि एंकरिंग इज इजी मनी, कि जाके स्टेज पे खड़े होकर कुछ बटर बटर बोलना है, या गुड लुकिंग हो, आप मॉडल बनो, डोंट बिकम एन एंकर। एंकर करता धरता, संचालन करता है जो पूरे स्टेज का, ऑडियंस को बांध के रखना। क्या बात बोला आपने। राइट, तो वो पूरा मैनेजमेंट है हर चीज का। और एक्टिंग में आपको शायद रिटेक्स मिलते हैं,
आपसे गलती हो जाएगी, आपको सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन वी बीइंग एंकर्स हमें सिर्फ एक ही टेक मिलता है, सो वी लिव अ लाइव शो जो दोबारा नहीं हम जैसे कि मैं जानता हूँ जो ज्यादा बात कर सकते हैं ना अच्छी अच्छी बातें वही एंकर बन सकता है बट उसके अलावा भी आपको नॉलेज भी होना चाहिए आप कितना रिप्लाई करते हो चीजों को, जैसे कई बार हमारे साथ होता है टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं और हम ऑडियंस को नहीं बता सकते वो चीज, तो गाइस ये बहुत बड़े बड़े दोनों एंकर हैं उनके सामने मैं बैठा हूं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हें आ जाना चाहिए सभी को आ जाना क्योंकि एंकरिंग ऐसा है कि हम बात करते थकेंगे नहीं पूरी रात निकल जाएगी और मैं भी नहीं थकूंगा भाई, मैं ऐसे बहुत बात करता हूं। ओके सो समीर यू टेल मी लाइक रील क्यों चुना, मतलब पहले टिकटॉक पे थे फिर टिक्की एंड रील, तो लाइक कैसे मतलब मैं क्या किया पहले एक ऐप आता था बीगो लाइव करके, अभी मोदी जी ने उसको बैन करा दिया, पैसे वैसे बहुत मिलते थे, हाँ वो चाइना इना का था तो हाँ। वो मैं यूज करता था, तो उसमें क्या था मैं बहुत मतलब फैन फॉलोइंग मेरी ज्यादा थी वहां पर, फिर उसके बाद सोशल मीडिया में मैं एंट्री किया, मैं बोला यार चलो करके देखता हूँ क्या है, टाइम पास तो है, तो मैंने स्टार्ट किया उसमें तो थोड़ा सा लोग चाहने लग गए, तो ये तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद मैं और अच्छे से लग गया, तो फिर जो भी हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पर पहुंचो, एक्टिंग तो कमाल की है भाई, एक्टिंग कमाल की है वाकई में, बट मुझे एक जेन्युइन आंसर आपसे जानना है कि एक इन्फ्लुएंसर का फ्यूचर क्या है अगर वो करियर पे अपना देखना चाहे तो, फ्यूचर है किसी कल के बारे में किसको पता, किसको खबर है कि कल क्या होगा, तो इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर जो भी चीज कर रहे हो उसको दिल से करो, मेहनत का प्लान यानी करियर है, जैसे हमने एंकरिंग चुना है या कोई एक्टिंग कर रहे हैं या किसी का, तो अभी भी लोग इन्फ्लुएंसर को एक करियर नहीं मानते हैं, मैं अग्री करता हूं कि नहीं भाई वो भी एक काम है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं अगर मैं अपनी पर्सनल अपनी बात करूं तो मेरा है, मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्रेवल्स का बिजनेस है, हाँ ट्रेवल्स का है, तो मेरा बैकअप है, लेकिन ये मेरा मान लो टाइम पास है, अगर तकदीर चमक गई साथ दे दिया किस्मत ने तो आगे, वरना कोई टाइम पास नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसे बता टाइम पास इधर से मतलब सुनेंगे वो बोलेंगे अरे ये तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में टाइम पास, तो ये चीज मत सुनना कोई, लेकिन जो बोल दिया वो चीज मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है गलत चीज है, हां गलत चीज है इग्नोर मारो, तो जो मेरा काम है इसको मैं लगन से मेहनत से करते रहो, ठीक है अगर होता है ठीक है नहीं होता है ठीक है, लोग इसे टाइम पास कहते हैं बट ये एक्चुअली है नहीं, ये इसीलिए मैंने बोला ना गाइस बहुत बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, मैडम नॉनसेंस कैसे झेलती हो, मतलब कैसे टॉलरेट करती हो, होता है ना कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, तो अभी जो है सपोज आप एक इवेंट में हो और समीर भाई वहाँ एज ऑडियंस है, आपको वो कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या रिप्लाई करना है, समीर भाई करूं यस कमेंट, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, आप कुदरती इतनी खूबसूरत हो, आपने मुझे बिना मेकअप के देखा तो, हाँ देखा है ना, कहाँ आपके घर के बाहर, मेरा घर कहाँ है पहले ये बताइए, रायपुर में, रायपुर में कहाँ होगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो हर किसी का होता है, कहीं ना कहीं तो आपको देखा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने मैं आपको तो मेकअप की निकलती नहीं हूँ, तो शायद मैंने किसी और को देखा हूँ, शायद आपकी कोई सिस्टर है, नहीं कोई सिस्टर नहीं, ऐसे कैसे नहीं, सकते है? इतने खूबसूरत चेहरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, सुपर सुपर सुपर, मैं तो इतना भी नहीं जवाब दे पाता, लवली कूल, फेलियर्स आए हैं क्या लाइफ में आरुषि, मुझे देख के लगता तो नहीं है बट क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अप एंड डाउन होते हैं जहां पर हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक्स बोलूंगी ठीक है, हर्डल्स बोल सकते हो, हर्डल्स, फेलियर मैं किसी चीज को मानती नहीं क्योंकि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, करेक्ट, सो जिसने फेलियर का स्वाद नहीं चखा उसे जीत का स्वाद कैसे पता, राइट, जब आपको असली स्वाद पता करना है तो आपको खराब खाना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आप जज कर पाओगे कि हाँ ये टेस्टी है ये खराब है, क्या बात है, राइट, तो वैसे ही है जैसे अब कोविड आया तो मैं भी बॉम्बे से रायपुर आई तो मेरे लिए हर्डल था बट मैंने इसको फिर से पॉजिटिव लिया कि शुरुआत तो छत्तीसगढ़ की भूमि से ही हुई थी एंकरिंग की, करेक्ट, तो फिर से यहाँ कंटिन्यू करते हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी, देखो और ज्यादा काम मिला और ज्यादा काम, आप भी कोविड में आ रहे हो, सेम सेम यार, सेम 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 समीर भाई आप फिर भी आप बिना मेकअप के ज्यादा अच्छे लगते हो, नहीं ये झूठ है, मैं बिना मेकअप के निकलती हूँ, कई बार निकलती हूँ सिर्फ शोज पे मेकअप करती हूँ क्योंकि स्किन के लिए बहुत खराब होता है, ध्यान रखना, मैंने सच बोला था ना बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है, ओके सो आपका कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट आया जहां पर लगा कि छोड़ यार क्या रील वील बनाना एकदम मेरी लग रहा है नहीं करना मुझे, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग ऐसी समझते टाइम पास, रिस्पेक्ट नहीं करते, लोगों को लगता है कि यार ऐसे ही है बस मतलब छपरी,
तो बता दूं कि हर एक कोई छपरी नहीं होता, कई लोग थोड़े अच्छे भी होते हैं, जैसे कि आप हर कोई छपरी नहीं होता इसमें, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब अपने आप को बहुत टैलेंट लगता है, मेहनत लगती है, पहले कंटेंट ढूंढो, साउंड ढूंढो, फिर उसको खड़े होकर बनाओ, उसके लिए जगह ढूंढो, कम से कम एक दिन में ही पैसे भी खर्चे हो जाते हैं इसके पीछे, और मेहनत ही बहुत लग जाती है, और सबसे मेन है इसमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके पास ग्रुप नहीं है तो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत, हर चीज इनकी पॉकेट से जा रही है, और ऊपर सबसे मेन चीज सब्र करना पड़ता है। एग्जैक्टली कब सक्सेस होगा इंसान, और नहीं हुआ तो करते रहो मेहनत, करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा, और हो गया तो टर्निंग पॉइंट कब आया, मतलब एक लगा कि हाँ अब तो समीर शेख जो है एक नाम बन गया है। यार जब मैं टिकटॉक था, पता है टिकटॉक, टिकटॉक में मेरे काफी सारे थे, वहां पर से मैं वो हुआ था, तो मुझे लगा कि नहीं यार अब कुछ करना चाहिए। उससे भी पहले मैंने एक एल्बम बनाया था, दोस्त मेरा एक गाना गाता था, तो उसने मुझे बोला कि यार क्यों ना एक एल्बम बनाया जाए, तो हम लोग हम लोग ने मिल के एक सॉन्ग लिया, तो हम लोग मिल कर ना तो मिलकर लोगों ने एक एल्बम बनाया, ठीक है, तो उसमें एक्ट वेक्ट था जो भी एल्बम बना। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि यार तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई तो कर लूँ, कर गो मतलब करेक्ट। बच्चे को गोद में खिलाते हुए सोचूंगा काश मैं पहुंच गया होता मैं जाता वहां तो ऐसा तो दिन नहीं आता करके। मतलब एक बार मेरे पापा ने कहा था कि एक बार लाइफ में जो दिल करे ना वो कर लो, ताकि कल को तुमको पछतावा ना हो कि यार मैंने ये चीज नहीं किया यार ये रह गई। तो जो तुम्हारा दिल करे वो एक बार कर लो, अगर तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो तुमको तुम करो। क्या बात है, तो मैं हार नहीं माना और मैं करते रहा, और मैं हार मानने वाले में रवि भाई लाखों में फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट प्रोफाइल अगर कोई आपका देखेगा तो सोचेगा कि आप रायपुर से हो। मुझे काफी सारे लोग मुंबई के समझते हैं, हाँ, क्योंकि मैं मुंबई में 3 साल रहा हूँ, तो वहां पर काफ़ी सारे वहाँ जो यहाँ के लोग हैं वो समझते हैं कि मैं मुंबई का ही हूँ। कभी बहुत सारे लोग शायद यहाँ से जानेंगे कि मैं रायपुर का हूँ, यही मैं पैदा हुआ हूँ और यही मैं मरूंगा इंशाल्लाह। ये तुम नहीं बता सकते तुम कहाँ मरोगे, ऐसा नहीं, नहीं मेरी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश बोल सकते हो, बोल नहीं सकते कि यही मरूंगा। ओके कूल, बाप बाप दादा परदादा सब तो यही गए, तो हम क्यों ना जाए, क्या पता अमन तुम्हें मार दे कहीं और निकल। अरे अमन तो ये नहीं कर रहा भाई। So, आरिषि आपका एक टर्निंग पॉइंट कब आया था कि मतलब लगा कि बस अब तो मेरा सिक्का चल रहा है? हमेशा ही चला है, फिर भी एक टाइम एक इवेंट या ऐसा कुछ होता है जो मतलब लगता है कि हाँ यार अब मैंने कुछ काम किया। जब बैक इन 2014 जब मैं पुणे में थी, तब वो टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे एक बहुत बड़े वाटर एसोसिएशन के लिए शो मिला, जब मैंने एंकरिंग स्टार्ट ही की थी रायपुर में और मैं पुणे चली गई थी, तो कभी सोचा नहीं था कि एंकरिंग को प्रोफेशन बनाना, तो जब वो शो मिला उसके बाद शोज पे शोज मिलते गए, तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि हाँ नाउ दिस इज माय करियर एंड दिस इज माय प्रोफेशन। एंड वी हर्ड रूमर कि आपने एक बार किसी शो का 80,000 चार्ज किया था, ये रूमर है या सच है? नहीं ये सच है, ये न्यू ईयर का शो था और बहुत लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि यार ये तो न्यूबी है, फ्रेशर है, इसको सी गलत बात करने वाले बहुत गलत बात भी करते हैं, तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री शायद शोबिस की है तो यहाँ रूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और मैंने कभी रूमर्स पे ध्यान नहीं दिया। मुझे एक चीज लगता है जब आप आईने में खड़े हो कि अपने आप से आंख मिला सकते हो, करेक्ट, उतना काफी है, बोलने दो लोगों को, उनका काम ही बोलना। हाँ। और हमें तो बोलने जब तक कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, तुम सक्सेस नहीं हो सकते। मैं जहां तक जानता हूं कि इंसान जब तक इग्नोर मारना नहीं सीखेगा ना चीजों को, करेक्ट, वो सक्सेस नहीं होता। ये लाइन में हमेशा याद रहती है कि उन्हीं की बात होती है जिनमें बात होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो तुमको पहले तपाता है, पहले देखता है कि नहीं तुम सब बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सक्सेस मिले, हमें तरक्की मिले, यहाँ तक पहुंचे वहां तक पहुंचे, लेकिन हम थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो बोलते हैं नहीं तेरी कैपेसिटी नहीं है बेटा, तू इतने में खुश है। अब जब कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी ना तो फिर वो देता है वो जो तुमको चाहिए। सो गाइस मैं बता दूं कॉन्वर्सेशन होने वाला है और भी चटपटा, तो अभी फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तो मुझे आज बख्शने वाले नहीं है एंड बहुत सारा मसाला मिलने वाला है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
to the celebs couch. सो वेलकम बैक टू द शो द सेलेब्स काउच और मेरे साथ बैठे हैं दो सेलिब्रिटीज यानी दो होनहार मेरे दोस्त और आज जिन्होंने पूरी वाट लगाने की सोच रखी है ये एपिसोड आई डोंट नो कैसे जाने वाला है बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है. ओके सो भाई मेहनत ये जो बात जो आपने बोले कि आज पूरी वाट लगे इससे पहले किसी को बोले तो नहीं हो ना? नहीं बोला क्योंकि हम लोग पूरी पूरा देखेंगे शो देखेंगे आपका. हाँ अगर कॉपी पेस्ट हुआ ना तो पेस्ट कर दे. सही है. सो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि रील्स बनाने में एक्चुअली मेहनत लगती है और सारी चीजें हैं कंटेंट क्रिएट करना. तो जब आप शूट पे निकलते हो और जब आप तो लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं तब दिमाग में क्या चलता है एकदम जेन्युइन यार है? मुझे कभी कभी कैसा लगता है मालूम कि अपन हम शूट कर रहे ठीक है अब हम एक्ट कर रहे हैं तो जो लोग ऐसा देखते ना ऐसे कुछ लोग का मुंह अरे कार्टून थोड़ी है है कार्टून थोड़ी है टैलेंट है यार कदर करो कैसा भी टैलेंट रहे उस कदर करो. अब थोड़ी ना लाल पीले बाल करके खड़ा हुआ मैं है ठीक ठाक हालांकि उनका क्या हमारी जिंदगी हमारी मर्जी हमारी खुशी लोगों से क्या मतलब लेकिन लोग लोग हंसते हैं लेकिन हम लोग ऐसा ज्यादातर इग्नोर ही मारते क्या करेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में लोग तो हंसेंगे पहले हंसेंगे फिर चिढ़ेंगे फिर गाली देंगे फिर लड़ेंगे फिर तुम्हारे हो जाएंगे नहीं फिर जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तुम्हारे हो जाएंगे तुम्हारे समीर अपना तो फिर अपना भाई है फिर वो भी यही करेंगे हाँ। जो तुम कर रहे हो अरे ऐसा हुआ है और ये हुआ है ये हुआ है एक्चुअली हुआ है पहले जब खुद जब हम रील्स बनाते थे तो जो लोग हंसते थे वही अब वो काम कर रहे हैं. हां ऐसा मेरे साथ भी हुआ. देख के मैं अभी कोई बात नहीं इस काउच पे बैठी तो क्या वो सवाल तुमसे है तुमको देख के तुम्हारे सर्कल से कितने लोगों ने एंकरिंग चालू की. देखो स्टार्ट करने बात तो लगनी है नहीं एक्चुअली एंकरिंग का सी ऐसा है कि मुझे पूछते हैं लोग कि हमें भी करना है स्टार्ट करना है ये वो बट वही है ना कि आप पैशनेट नहीं हो आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं हो तो आप नहीं कर सकते. आप अगर एक शो दो शो कर लिए तो वो नहीं कहलाएगा आप एंकर्स नहीं बन सकते. आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको यू नो तुरंत क्विक स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा वो सब चीजें. तो और यार हम लोग जब अभी जो एंकर्स अपन काम कर रहे हैं अपन ने सालों से घिसा है उस चीज को झेला है तो जब जाकर के हमें वो चीज मिली है वो नेम फेम अभी समझ में आ रहा है और अभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार थोड़े से ठीक ठाक दिख लिए अच्छे बन गए हैं तो थोड़ा सा माइक में बोल लेंगे तो हो जाएगा तो वो चीज नहीं है. तो लोग समझ रहे हैं डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है. ओवर टू यू आरुषि. लेट नाइट जैसे आना होता है ना बी ऑन अ सीरियस मोड की फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा है शुरू से रहा है और इतनी ट्रैवलिंग होती है मतलब लोगों को लगता है कि एंकर्स हैं मजे कर रहे हैं होटल्स में रह रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं ऐश कर रहे हैं दो घंटे का शो किया पैसा उठाया घर आ गया. तो बिहाइंड द सीन में जानना चाहता हूँ एक्चुअल में हम क्या क्या झेलते हैं आपकी जुबानी. बिहाइंड द सीन बहुत होता है जब आप रात को लेट घर जाते हो तो घर वाले तो कुछ नहीं बोलते नेबर्स बोलते हैं पता है इनकी बेटी रात को इतनी लेट आती है ना बातें होती हैं जो हमें किसी और से सुनाई देती है आपके मुंह पे तो आपके नेबर्स अच्छा ही बोलेंगे पीठ पीछे तो बोलेंगे ही ना. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं कई बार इग्नोर करनी पड़ती हैं बट व्हाट मैटर्स इज कि आपकी फैमिली आपको समझ रही है. तो वो जो एक बचपन से ट्रस्ट आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे डैड ने हॉस्टल डाला तो लाइक वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली तो उन्हें एंकरिंग कभी पसंद थी नहीं. He always wanted me to become an IAS officer or something. Doctor or something. क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स और यही है एंड द ओनली वन जो मीडिया में है. तो वो चीज अब नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई बट विद टाइम जब उन्होंने मेरा काम देखा मैंने जो इज्जत कमाई वो देखा तो नाउ ही इज लाइक यू नो प्राउड ऑफ मी कि हाँ मेरी बेटी एंकर है. देयर वाज अ टाइम ये बहुत लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने नहीं बताया था मैं किन की बेटी हूँ और मेरे पापा ने नहीं बताया था मेरी बेटी कौन है. Just to know that कि मेरा मार्केट में क्या इमेज है लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं एंड when he got satisfied कि हाँ मैंने आज तक इसके बारे में कुछ गलत नहीं सुना there was a moment he was like I am proud of you. क्या बात तो मुझे अब किसी से फर्क नहीं पड़ता मेरी फैमिली को पता है मैं क्या हूँ मुझे पता है मैं क्या हूँ it's okay. एक लड़की जॉब से जब लेट आती है उसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो अगर हम शो से लेट आ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन क्यों करेक्ट
काम तो हमारा भी वही है। वेरी ट्रू। समीर भाई, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आप शादी कब करने वाले हो। कुछ दिन पहले आपने कुछ स्टोरी डाला था जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैं जवाब दूं। तो आज हमारे चैनल पे, आज हमारे काउच पे समीर भाई डिस्क्लोज करने वाले हैं कि आप शादी कब। मैं शादी कब करने वाला हूँ? मैं शादी करने वाला हूँ यार, मैं ना लड़की ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे लड़की पसंद नहीं आ रही है। अब जिंदगी बिताना, कैसी लड़की चाहिए? कैसी चाहिए, कैसे समझाऊं मैं? मुंह से एक घरेलू नहीं, मुंह से समझाऊं, इशारों से समझाऊं? नहीं, इशारों से मत समझाना, गलत जाएगा। हाँ, तो लड़की एक ऐसी चाहिए जिस जो घरेलू टाइप की हो और बस थोड़ी अच्छी सीधी सादी काफी। अगर इंस्टा इन्फ्लुएंसर कोई आपको पसंद आती है तो क्या आप उसे शादी करना चाहोगे? जिसमें आएगा उसमें उससे कर लूंगा, चाहे वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर हो। लेकिन बेटर ये है कि घरेलू और फैमिली या रिश्तेदार में हो तो ज्यादा अच्छा। और वर्किंग वुमन हो अगर वो? कोई भी चलेगा। चलेगा अगर उनको आगे काम करना है, अगर पसंद आता है तो। पसंद आता है तो बस ये मुश्किल है पसंद आना। उसे क्या तुम्हें समीर को क्या बोले? लेट इट बी, छोड़ो। रेडियो एक ही बार बोलते हैं। हाँ, इस एंकर स्टॉक। रेडियो को दोबारा चलाओ। नहीं होता, ये चैनल अभी नहीं लगेगा, ये बंद हो गया है। ओके, आरुषि, क्या हो रहा है अभी मार्केट में? कुछ लोग उठ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत पैसे लेकर जा रहे हैं, कुछ एक्सपोजर चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब सही ट्रैक ना जा करके शॉर्टकट हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है। मेल एंकर्स हो रहे हैं बेचारे, इसमें दब जा रहे हैं जिनका एक्चुअल टैलेंट है। ठीक है, मैं मेरी भी बात करूं, बाकी लोगों की भी, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं और एंकरिंग कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है अपने छत्तीसगढ़ में कि भाई फीमेल एंकर को प्रायोरिटी दी जा रही है? मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं, हर जगह। नहीं यार, राजस्थान, गुजरात, उधर साइड पे, उधर पूरे मेल एंकर्स की ही डिमांड रहती है हमेशा। फीमेल का मैं सब तो मुंबई चली आ रही है। ओके, बट स्टिल अगर हम देखें या माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए। आपको तो खुश होना चाहिए इसमें। हाँ, क्यों खुश होना चाहिए भाई? मेल लोग का ज्यादा है ना? तो नहीं है ज्यादा, यहाँ नहीं है, यहाँ राजस्थान। तो राजस्थान जाओ ना, तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, यहाँ पर फीमेल, यहाँ लाना है, इसका दुख आपको? बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख। आपको दुख है या खुशी है? दुख मेरे लिए नहीं है, और जो लोग हैं उनके लिए मैं जेन्युइन फील करता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, मेरा तो देखो चलो डेट स्केड्यूल रहता है, वो ऑलमोस्ट पैक रहता है भगवान की दया से, बट जो और भी टैलेंटेड लोग हैं वो दब जा रहे हैं उसकी वजह से। और जो लड़कियां थोड़ा बहुत भी आ रहा है, अगर गुड लुकिंग है तो स्टेज और माइक उनको मिल जाता है। व्हाट्स योर पॉइंट? उसका रीजन हम लोग नहीं है, उसका रीजन है क्लाइंट्स जो बुकिंग दे रहे हैं। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, नॉट टारगेटिंग यू कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं बता रही हूँ इन जनरल। जैसे अब मेरे घर में शादी है, जी ठीक है, तो मैं हमारी फैमिली में डिसीजन है फीमेल एंकर चाहिए, तो मैं तो बोलूंगी कपल एंकरिंग करवाओ, दोनों को मौका दो, इट विल बी मोर फन। इस काउच पे अगर आज मैं अकेले बैठी होती तो उतना फन नहीं होता, अगर आज हम दो बैठे तो ज्यादा फन है। एक और एक, तुम्हारी शादी के वक्त तुम खुद एंकरिंग करोगे? नहीं, मेरे पास बहुत एंकर दोस्त हैं। सोचो ना, तुम मतलब दुल्हन बन के खड़ी हुई और माइक पकड़ी हुई हो। हाँ, मैं करती हूँ, कितना अच्छा लगेगा। किसी भी वेडिंग में जाती हूँ ना, नहीं तुम्हारी खुद की शादी, हाँ मैं करूंगी, क्या मस्त लगेगी। आ रहा है मेरा दूल्हा डांस करने के लिए। तो हेलो गाइस, आज मेरी शादी हो गई है और ये जो है ये मेरा दूल्हा है। मैं वो पूजा नहीं हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ। तो मैं तो लड़का हूँ, लड़कियों की एक्टिंग भी ऐसे ही करूंगा। गॉड, ओके। समीर भाई, कुछ फ्रेशर्स हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है भाई, लाखों में फॉलोअर्स मिल जा रहे हैं उनको, तो जिनमें कुछ बात ही नहीं है, मतलब कि भाई ना तो तुम, चलो दिखते अच्छे हो तुम, कंटेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा ये किया वैसा नहीं, किया, नहीं अच्छे दिखते उनके भी हैं, उनके भी हैं बात, अच्छे दिखने और नहीं अच्छे दिखने की नहीं है बात, है कंसिस्टेंसी की, मेहनत की। अगर आप रेगुलर हो, क्यों मतलब उनको मिल रहा है आगे ऐसे? मुझे ये लगता है कि जो मैंने देखा है कि एक मतलब लोगों, ऑडियंस को पसंद क्या है, एक तो कुछ तो कार्टून टाइप के जो हरकत करते हैं ना वो लोग, हेलो गाइस, हाँ हाँ इस टाइप के लोग, थोड़ा हेलो गाइस आई एम सनी, इस टाइप के मतलब अगर देख रहे हैं सन्नी तो सॉरी, ठीक है, इस टाइप के लोग पसंद है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो मेहनत कर सके, मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे दिखने वाले और टैलेंटेड लोग हैं, करेक्ट, लेकिन वो आगे नहीं जा नहीं पाते, जा पा रहे हैं, पता नहीं लोग को पसंद नहीं, शायद ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, राइट? हाँ, ऑडियंस का नहीं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऊपर नीचे, टिकटॉक का भी यही था, हर सोशल मीडिया का यही है, मतलब सही चीज को प्रमोट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब किस तरीके, कितने टैलेंट दब चुके हैं। मैंने इतने अच्छे अच्छे एक्टर लोग को इंस्टा में देखा है, नॉर्मल,
अच्छा वो छोड़ो, जो टीवी सेलेब्स हैं उनके भी फॉलोअर्स। अरे जो बॉलीवुड वाले, उससे ज्यादा तो नॉर्मल। हाँ, बॉलीवुड वालों को तुम देखना, बॉलीवुड वालों को, उनसे ज्यादा तो ये सोशल मीडिया वालों के फॉलोअर। वाकई में ये सोचने वाली बात, और उनको एड्स मिल रहे हैं, कमा रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है, मिल रहे हैं भाई, सोचो। और हम देखो वेले बैठे हैं। तुम भी काफी रील्स बनाती हो, मजा आता है देख के, तुम्हारे रील्स भी अच्छे लगते हैं देखते हैं तो फन होता है, मजा बहुत आता है, मजा आता है एक्चुअली, मजा बहुत अच्छा बन जाता है, मजा आ गया, मजा आ गया। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या, जो हम दूसरों के लिए नहीं बनाते, हम खुद के लिए बनाते हैं, तो ये चीज सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज जो आप प्रेशर में नहीं करें वो हमेशा अच्छी बनेगी, थोड़ी सब्जी अच्छी बनती है, घर में थोड़ी बनी तो अच्छी बनी है, तो यूजुअली वही होता है, जब आप खुद के लिए करते हो ना तो अच्छा ही बनता है, जो भी काम करो में करोगे ना तो आपको लगेगा, जो भी काम करो उससे खुशी मिले ना तो काम और अच्छे से होता है। लास्ट क्वेश्चन दोनों के लिए रहेगा, एक एक एडवाइस चाहिए अपने फ्रेशर्स को, क्या आप बताना चाहोगे कि किस तरीके से वो एंकरिंग में आगे बढ़े और क्या क्या पॉइंट्स जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यू आर अ इंस्पिरेशन, आज कहीं ना कहीं आपने एक नाम बनाया है, एक यू नो ओहदा है आपका एंकर्स में, तो जो हमारे एंकर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कुछ फेल हो जा रहे हैं, कुछ आगे जाने के बाद लगता है नहीं यार इसमें करियर नहीं है, तो उनको कुछ सजेशन आपकी तरफ से। वैसे तो नो वन टू एडवाइस यू, सजेस्ट यू, क्योंकि हमने भी उतनी ही मेहनत की जितनी मेहनत आप कर रहे हो या करने की सोच रहे हो। आज हम यहाँ हैं तो हमारे पीछे की मेहनत किसी ने देखी नहीं है, और जो चेहरा आप देख रहे हो इसमें भी बहुत कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप पूछो मार्केट में जाके, मेरे भी दांत थोड़े ऊपर नीचे थे, हमने भी ठीक करवाए, ब्रेसेस लगवाए, सब चीजें की, दिस इज टाइम। तो अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करो, लोगों का काम है बोलना, वो आज भी बोलेंगे, पहले भी बोलते थे और कल भी बोलेंगे, अगर आप जो चीज करना चाहते हो वो आपको करनी है ये ठान लो सबसे पहले, ये नहीं कि अभी एक साल मुझे एंकरिंग करनी, पैसे इकट्ठे करना है, फिर मुझे बॉम्बे जाना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एंकरिंग करनी है तो मेक इट अ करियर, जैसे आप एमबीए करते हो आपको पता है मुझे एमबीए करना है, राइट, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, सिर्फ देख कर नहीं करना। yes. तो वो अंदर से पहले तो फील करो कि आपको एक्चुअली करना है, अपने साथ बैठो सोचो आगे के फ्यूचर की, हाँ मैं इसमें खुश होंगी कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। और सबसे अच्छी चीज पता है, मतलब अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा नहीं था कि हम कुछ करना है, बट अभी हम कंसिस्ट हैं, हमको मालूम है कि ये हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है, बट अभी जो लोग हैं ना उनको भी लगता है कि वो ऐसे ही कर लेंगे तो हो जाएगा, बट अब वो दौर नहीं है ना, बहुत सैक्रिफाइस मांगती है, फिर अब, भी अब हम कितना ट्रैवल करते हैं। आई रिमेम्बर मैंने 102 डिग्री बुखार में भी शो किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट, क्योंकि वहां लास्ट मोमेंट कोई एंकर अरेंज नहीं हो रही थी तो मुझे तो जाना ही है भैया, मेरा तो बुखार है पर सामने वाले का तो वो डे दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं तो मेडिसिन लेके वो दो घंटा निकाल सकती थी, तो वो चीज, वो डेडिकेशन, वो फोकस, कोई भी काम करो, बी इट एंकरिंग, बी इट डॉक्टर, बी इट लॉयर, हर चीज। हम बॉलीवुड एक्टर्स को इतना वो करते हैं कि ये तो मेहनत, तो वो भी करते हैं भाई, 22 घंटे जिम जिम, उनका जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है, बॉडी मेंटेन करना, डेडिकेशन है, वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं, अच्छा खाना, यू नो डाइट पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सैक्रिफाइस मांगती है हर चीज, सैक्रिफाइस। भाई कितना टाइम लग जाता है, मतलब एक 2 घंटे करीब लगता है के रील्स बनाने, बोलो ना, रील्स बनाने में भी, और मतलब जीरो से हीरो बनने में आपने तो पूरा, आजकल के लोग ऐसे क्या है मालूम, मेहनत करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करके बोलेंगे अरे यार सक्सेस नहीं मिला, ज्यादातर रायपुर के लोगों की बता रहा हूँ मैं खासकर। हाँ। वो लोग ये सब चीजों में क्या है, वो लोग सोचते हैं कि बस आ जाए हाथ में, एक बार में सक्सेस आ जाए हाथ में, अरे यार दिख नहीं रहा कुछ, अरे यार कुछ फायदा नहीं मिल रहा करके हार मान जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज कर रहे हो ना डट के करो, पागलपन जुनून ले आओ, पागलपन ले आओ, हार मानने का ही नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, पहुंच जाओ वहां तक जहां पहुंचना है, लेकिन हार नहीं मानना कभी, मेहनत करनी है। जितने भी लोगों को आगे तुम देखे हो ना जिंदगी में, वो ऐसा पागलों टाइप चीजों को किए। अब मैं बता दूं, ये जो सोशल मीडिया में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टीम, टीम वर्क होता है ना तो चीजें बहुत आसानी से होती है, टीम नहीं है तो आपको मुश्किल जाएगा, और अगर आप तकदीर वाले हो तो फिर अकेले भी भारी हो सब में। और दूसरा है कि कंटेंट अच्छे होने चाहिए, और तीसरा है कि ट्रेंडिंग चीज पकड़ना है, और फेस के एक्सप्रेशन से लेके ड्रेसिंग और लोकेशन, ये सारी चीज अच्छी होनी चाहिए तो लोग देखने में ज्यादा ही वो होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, कुछ भी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सरप्राइज छोड़ना है आपको, कुछ ऐसा अलग करना है कि आदमी फिर दोबारा देखे उसको। तो कहते हैं कि 3 सेकंड अगर किसी ने एक वीडियो देख लिया तो वो वायरल होता है। ओके, मतलब जो वीडियोस वायरल नहीं हो रहे लोग उसको 3 सेकंड भी नहीं देखते, सीधा ऊपर,
इसीलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं गाने अच्छे रखता हूँ और रोमांटिक। ये ट्रिक है, आप भी आजमाइए, गाने अच्छे रखिए, रोमांटिक गाने अच्छे रखिए और कुछ लुक अच्छा रखो अपना, फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा सेक्सी होना चाहिए। अब हर कोई तो मुंबई जाके क्लास नहीं ले सकता, बट अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप समीर, हर एक इंसान के अंदर एक्टर एक्टर है, हर इंसान के अंदर। ओके वेल, ये कॉन्वर्सेशन रहेगी जारी और अब है एंटरटेनमेंट की बारी, बट एंटरटेनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं लेना चाहूंगा छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक टू द शो द सेलेब्स काउच, और आज दो अतरंगी मेरे सामने बैठे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रमोशन अपना भी कर लेता हूँ मेरे बैंड का। ओके जरूरी है। सो बढ़ते हैं गेम की तरफ, गाना सुनाइए आप एक गाना। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, होश खो जाएगा प्यार हो जाएगा, दिलबर में कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा जो कि पल में पिघल जाओगे। लवली। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरी आवाज बहुत अजीब है, कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छी थी। लेकिन माना ना मेरी आवाज अजीब है, कोई बात नहीं बोला नहीं, कोई बात नहीं बोला। अब आप सुनाइए एक आध। आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड। आपका सर? ब्लू। आपको अपने किसी भी एक दोस्त यार परिजन किसी को भी कॉल करना है और आपका फेवरेट कलर उनसे पूछना है, जब तक वो सही आंसर नहीं बताते, और जिसने भी पहले सही आंसर बताया वो इस गेम का तो विनर हो जाएगा और जो हारेगा उसको एक शॉट पीना पड़ेगा। 3-2-1 गो। तो पहले बोल तो दे कि शो पे। नहीं 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 मैडम, हाँ हाँ स्पीकर पे। किसे कॉल किया आपने? भाई इनके बाद मैं करूं? नहीं नहीं साथ में करना है भाई, हार जाओगे नहीं तो। नहीं उठाना। क्या बोला था तुमने? रेड ब्लू ब्लैक हाँ हाँ रेड ब्लैक। ये भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है? कॉल है ना तो पर्सन नहीं उठा रहे, ये भी उठा रहे, कोई बात नहीं उठा रहे, कोई इज्जत नहीं है हमारी। देखिए गाइस, तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, देख लो आप लोग। हेलो मम्मा, हार गया मम्मा, मैं एक शो पे हूँ, जल्दी से बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है? हाँ जल्दी बताओ, मैं जीत जाऊंगी, जल्दी बताओ। और बताओ, एक चांस आ रहा है आपके पास, बस नहीं, और बताओ। सुनो मैं एक शो में हूँ, मुझे ये बता कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा? नहीं। ओह क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, सब कलर बोल दिए, रेड नहीं बोला। ओके बाय। क्या बात है, बोला ना ये कछुए की चाल चले मगर जीत गया। कोई बात नहीं, अभी और है, ये पीना पड़ेगा। हाँ जी मैडम पीना पड़ेगा। पूरा नींबू है पानी इसमें? कौन सा पानी? अरे मिक्स नहीं करना था ना मैम, चढ़ी हुई उतर जाती। ओके सो विल स्टार्ट विद समन भाई, ठीक है? जीते हो तो यार बनता है ना।
क्या? अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करते जाऊंगा, आपको आंसर देने हैं, अगर आपको उसके आंसर नहीं देने हैं तो आपको शॉट पीना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलिए। और हर एक अगर कैटेगरी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा उससे पहले कि आपको क्या करना है उसमें। चलो फिलहाल आपको आंसर्स देने हैं। आपकी दो बुरी आदतें। बुरी आदतें? हाँ जी। गुस्सा करना और सामने वाले को, जो भी सामने वाली खराबी कुछ भी रहती है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। बता देना उसको। हाँ ओके। दो क्रश रील मेकर्स जो रील बनाते हैं। कोई नहीं है यार। क्रश? कमॉन, झूठ नहीं। कोई नहीं सच में। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सच में कोई नहीं। हाँ तो फिर शॉट पीना पड़ेगा। सच में कोई नहीं। हार जाओगे सोच लो। करीना कपूर पसंद है लेकिन वो तो एक्टर है। चलेगा करीना कपूर? और हाँ करीना पसंद है और श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर कूल। चलो आपके रील में कॉम्पिटिटर कौन है जो लगता है कि हाँ भाई कम्पीट करता है बंदा? ऐसा मैंने देखा ही नहीं। डिप्लोमेटिक आंसर मतलब? नहीं मुझसे बेटर है। हाँ या मुझसे बहुत? अच्छा बेटर बताओ आपसे। मुझसे बेटर बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो सारे बेटर। रायपुर में? रायपुर में मुझे कोई दिखता ही नहीं कि कौन है क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता कौन है रायपुर। भाई बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो, शॉर्ट पियो। कोई दिक्कत नहीं, मैं पी लूंगा लेकिन। हां रायपुर में कौन है? हां एक है, एक है शाहिद अब्बास। हां देखा शाहिद अब्बास कैसे है? वो मेरा ही छोटा भाई है। वेरी स्मार्ट। शॉर्ट इसी नाम। ओके टेल अ नेम जिसको रील बनाना छोड़ देना चाहिए। चलो थ्री कॉमेडी रील मेकर्स के नाम बताओ। तीन कॉमेडी जो जिनके कंटेंट होते हैं, तीन रील मेकर्स। क्या मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन आईडी वाईडी कुछ तो मालूम होगा, डायलॉग याद होगा वो बता दो हम समझ जाएंगे। एक वो एक डायलॉग एक बंदे का वो जो बोलता है कि अरे भाई किसी की सरकारी नौकरी है क्या, मुझे किराए से दे दो, शादी होते ही वापस लौटा दूंगा। वो बंदे का नाम मुझे वापस नाम वो बंदा है जो एक बंदा ये है और डायलॉग भी याद नहीं है, नाम भी याद नहीं है, पी लेता हूँ ठीक खा रहा हूँ तब बुरा टेस्ट नहीं है। कौन है जो रील मेकर जो थोड़ा एटीट्यूड वाला है, मतलब ज्यादा भाव नहीं देता? मैं खुद। क्या बात है। ओके आपके पास एक लाइन है एंड आप ऑडिशन में हो तो आपको इस एक्शन में ये जो लाइन है आपको डिलीवर करनी है एंड द लाइन इज जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ठीक है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, अलग अलग इमोशंस में आपको बोलने हैं। ठीक है पहले गुस्सा, रोल कैमरा एक्शन मैं बताते जाऊंगा आपको कैसे बोलना। चलो पहले एंग्री लिखा होता गुस्सा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। कूल आगे। बीमार। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ओके ड्रंक। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। वाह सेक्सी अंदाज में। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तुम्हें कोई देख के निकल भी जा रहे हो तो क्या करो, तुमको देख के बोलूं? तुमने डरा दिया पहले ही। वो करते हैं मुझसे हाथ कमल। ओके क्या बोलते हैं? दुखी, एकदम दिल टूटा हुआ है। अब तुम्हीं को देख के बोलता हूं चलेगा। दुखी ना। दिल टूटा हुआ है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। लवली ब्रो। ओके कंफ्यूज। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। क्या बात है। लास्ट वन ओवर एक्टिंग वो डेली सोप वाली जो एक्ट्रेस होती ना। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। क्या बात है। तालियां तो बनती है भाई के लिए। ओके ये सामान किनके बेडरूम में मिलेगा? आपके फ्रेंड या फिर आपके कोई भी कजन हो आप उनका नाम ले सकते हो। और मेरे रूम में रहो? हाँ आप अपना नाम भी ले सकते हो। चलो हाजमोला। गुड्डू। गुड्डू की। ओके मेरा दोस्त है गुड्डू। गुड्डू फेयर एंड लवली। राजिक। राजिक बड़े भैया एक लगाते हैं वो भी दोस्त ही है। लेडीज परफ्यूम। आवेश।
ये सच है ना, ये सच है। आवेश भाई है एक बड़े भैया टाइप है, दोस्त थे मेरे, जो दोस्त है ना मुझसे काफी बड़े बड़े उम्र में। चलेगा कोई इशू नहीं। हॉट मैगजीन्स, ऐसा कोई पढ़ने वाला नहीं है। हॉट मैगजीन्स, अच्छा वो किसके पास रहेगी फोटो वाली कुछ भी। हाँ अच्छा फोटो वोटो इसका जमाना कहाँ। फिर भी एक अंदाज बता दूं तो मैं बिट्टू हाँ वो थोड़ा सा सही है। फटे हुए मोजे समीर भाई खुद के नहीं, एक और है। नहीं मेरे भी होंगे। ओके नहीं भी तो मैं नया पहन के आया हूँ, लेकिन इससे पहले वाला शायद उसे मिल जाए। लिपस्टिक कोई नहीं। बीड़ी अरशद बीड़ी। डाइपर डाइपर रोज रात की लेके जरूर जाते हैं। आवेश भाई ओके। पेंडिंग बिल्स पेंडिंग मजर, वो पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद जब तुम उससे पैसा वापस मांगो तो बोलेगा काय का पैसा, अबे दे दूंगा ना तेरा पैसा, कैसी बात कर रहा है, मर थोड़ी रहा हूं, कहीं भाग थोड़ी रहा हूं, दे दूंगा तेरा पैसा। और पैसा लेने के टाइम तो मेरा भाई नहीं है, बहुत जरूरत है यार तेरे। सबका है, सबका है। ओके नेक्स्ट, अगर आप अगली सुबह उठते हो, आप सामने देखते हो ये पर्सन बैठे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा और आप उनसे क्या बोलेंगे? ठीक है करण जौहर। सुबह उठा करण जौहर को देखा। ये सपना है तो ठीक है, लेकिन सामने है तो देख लेगा ना, ठीक है। अरे सर आप यहाँ कैसे, सर सही नहीं हो क्या आप? हाँ देखो आवाज ओके सर, पर आप यहाँ कैसे अचानक, वापस वहीं से चले जाओ ना। सुन लेंगे बताएंगे तुम्हें, रोल नहीं मिलेगा आगे। नहीं चाहिए। एक ही लाइन डिलीवर करना। ओके चलो। ओके राखी सावंत। राखी सावंत क्या, अगर सुबह मिलती है आपको तो आप उनसे क्या बोलोगे? हाय राखी कैसी हो आप? राखी बांध के जाओ। क्या राखी कैसी हो आप? शादी मुबारक। शादी कर ली उसने? कर ली है ना। डिवोर्स भी होने वाला है। क्या बात कर रही हो, अभी कोई दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ओके उर्फी जावेद। मैम बहुत अच्छा कपड़ा पहनती हो आप, हम लड़के क्या करें। हाँ रुमाल क्या बोलूंगा उसको देख कर, बस खुश हो जाऊंगा। मैम आप तो वाकई में सामने से बहुत खूबसूरत लगती है, मैम यहाँ कैसे आ गई आप गरीब खाने में, वापस जाइए। ओके योर क्रश, जिस पे क्रश है और वो दिख गई सामने। आई लव यू। योर एक्स गाली बक सकते क्या? बीप कर दें। नहीं गाली नहीं रखो। ओके वेल डन सुपर। अब बारी है मैम की एंड उसके बाद हमारी जनता जनार्दन जो है डिसाइड करेगी कि किसके आंसर्स जो एकदम प्रॉम्प्ट रहे हैं और मजेदार रहे हैं। ठीक है रेडी आरुषि? Yes. As you are always ready. Okay. Anchors को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? Anchors को prompt होना चाहिए, एकदम तुरंत, spontaneous, with sense of humor, हर चीज एकदम तुरंत, ये नहीं कि सोच के फिर बोलना है, तुरंत आना चाहिए हर चीज। और क्या नहीं होना चाहिए? Over confident बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Very well said. Okay, one should leave this profession, anchoring. चल नहीं। मैंने किसी की live anchoring नहीं देखी तो how can I come? Please don't be diplomatic. No, it's not diplomatic. मैंने actually किसी की live anchoring नहीं देखी। किसी के तो देखा होगा। Just live India में, पूरे इंडिया का बताओ। पूरे इंडिया का? हाँ, पूरे इंडिया में। मनीष पॉल तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ। Smart हाँ? Okay. किसके साथ duet anchoring करने का मन है अगर छत्तीसगढ़ में मौका मिले कि? छत्तीसगढ़ में? हाँ। कि किसी का भी बोल सकते? नहीं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में? Why not you then? क्या बात है? ओके वर्स्ट एक्सपीरियंस किस मैनेजर के साथ रहा है? नहीं किसी के साथ नहीं रहा है। चल हवा आने दे। ये मेरे जितने इवेंट मैनेजर हैं सबसे पूछ लो, मेरा किसी के साथ कभी ना लड़ाई झगड़ा हुआ है ना कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट, किसी से हो नहीं।
अब तक का सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा रहा है? बेस्ट इवेंट अगर मैं अपना पर्सनली एंकरिंग बोलूं, इवेंट वाइज नहीं बोलती, बट परमेश वर्मा एंड आरसीआर का जो कॉन्सर्ट था अभी जस्ट हुआ, यस, वो मैंने होस्ट किया. वो मेरे लिए बेस्ट इसलिए था क्योंकि बिल्कुल सेलिब्रिटीज आरसीआर और परमेश थे, लेकिन वहां पे सिद्धू मूसेवाला को मैंने ट्रिब्यूट किया था. As in, I did a lip dab and a dance. वहां जो मुझे ऑडियंस का प्यार मिला, इनका नाम ले दो यार, खुश हो जाएंगे. नहीं, मेल में फीमेल में वो पूछ रहा है. नहीं, दोनों पूछ रहा था मैं, बट कोई बात नहीं, रहने दो. मुझे बोलना था ना दोनों. कोई नहीं, मतलब जेन्युइन आंसर दो, कोई इशू नहीं. एक्चुअली मैंने किसी की लाइव एंकरिंग देखी नहीं थी, बट फिर भी नाम तो सुनते हैं ना अपन की. हां नहीं, नाम सुन के मैं भरोसा नहीं करती. चलो ठीक है, दो इनफ है. सो वन इज दो इनफ. ओके, थ्री टॉप मैनेजर्स यू लाइक टू वर्क, मतलब हमेशा उनके साथ काम करना चाहती. तीन मैनेजर्स, सब अच्छे हैं मत बोलना. हां अरे ये तो ठीक है. ओके, सो आकाश मित्तल, संतोष निर्मलकर. Expected. And क्योंकि मेरी जर्नी इन्हीं लोगों के साथ शुरू हुई है, तो वो चीज बनता है. और मैंने रायगढ़ में दीपक शर्मा के साथ बहुत काम किया है, तो उनका नाम बनता है. दीपक भैया है भी बहुत अच्छे. Actually, मैं अभी काफी टाइम से उनके साथ अभी कर रहा हूँ, तो अतरंगी को भी वही प्रमोट कर रहा हूँ. ओके, किसको पैसे बढ़ाने चाहिए, मतलब लाइक एंकरिंग जो कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के जो लोग हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मगर कई बार अपने को पता चलता है ना कि हाँ यार ये थोड़ा सा इसको यार और अपग्रेड होना. अपना फायदा निकाल रहे हैं दोनों एंकर बैठ के. ठीक है. सबको बढ़ाने बोल दो ना, ये आंसर मुझे देने का मन नहीं. टू शॉट डाउन है मैडम, कोई बात नहीं. चलिए, रैंक योरसेल्फ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस कंडीशन, और आपको 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स में अपने आप को आपको रैंक करना है एज अ पार्टनर. नहीं बोल सकती अभी तक सिंगल, बट फिर भी कभी होगी तो क्या हो सकता है. ठीक, 10 में से 20. ओके, एज एन एंकर 10 में से 100. रील मेकर मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मिलेगा. सोलो ड्राइव हम चाहते हैं लाइफ में करना, तो वो मौका नहीं मिला. बट कोविड के टाइम में मी, माय मॉम, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड माय फिफ्थ मैगी, वी गॉट स्टक इन बॉम्बे, और मेरे डैड ने मौके दे दिया. तो लगा था कुछ टाइम बाद थाली बजा ली, दिया जला लिया, अब खुलेगा, अब खुलेगा. तो खुलने का नाम ही नहीं लिया. वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट ड्राइविंग बैक टू होम. तो वहाँ से 1100 किलोमीटर्स है बॉम्बे टू रायपुर. सो आई ड्रोव 24 आवर्स कंटीन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्लीप. Oh. The longest ride of my life. As a romantic person. Very romantic. कोई मिला ही नहीं romantic का. Attitude. Attitude. Bad attitude अगर दिखाओगे तो I'm your dad. If you're bad, I'm your dad. Cool. ये line किस पर suit करती है? आपको नाम लेना है, ठीक है? नाम ऐसे किसी का भी, किसी का भी अपने, mostly अगर अपने field के हो तो ज़्यादा better है. हाँ हाँ हाँ. Because हम जानते हैं. अभी season आ रहा. क्योंकि हम जानते हैं ना इसीलिए. ओके, चुगली आंटी. चुगली आंटी इवेंट मैनेजर्स? नहीं नहीं, इवेंट मैनेजर्स एंकर्स आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, किसी का भी लो. ये लाइन किस पर सूट करती है आपको बताना है, ठीक है? चुगली आंटी मेरी पड़ोसन. पड़ोसन बहुत चुगली करते हैं. देख रहे हो आंटी आप, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे हो. सकती है रायपुर की, हो सकती है कहीं की भी, हो सकती है. ग्रो अप बेबी. माय सिस्टर, लिटिल सिस्टर. Sorry you are late. My brother. Okay, I am waiting for you. Mera hone wala husband. Cool. Dikh mat jaiyo dobara. Jo mujhse badtameezi kare.
चल 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 बाप को मत सिखा। ये लैंग्वेज में मैं बात नहीं करती, लेकिन अगर करनी पड़े तो सागर। ओ सागर, योर फ्रेंड, फ्रेंड, ओके। If you are hosting a party, घर पे आप पार्टी कर रहे हो, तो अपने एंकर्स में से आपको बताना है, एंकर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये डिसेंट है, ठीक है? तो इस कंडीशन में कौन होगा, ठीक है? बेस्ट आउटफिट किसका होगा? मेरा, ऑफ कोर्स। मुझे लोग बोलते हैं चीज़। ओके। फोन पे कौन रहेगा सबसे ज्यादा? ओके। घर जाने की जल्दी किसको होगी? फ्लटी कौन होगा? ओके। लेट कौन आएगा सबसे? सबसे लेट कौन आएगा? ऋषभ एंड आदर्श। ओके। एंड ये कौन देखेगा कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा नो ताज़ाक वाला। शायद मैं खुद ही। ओके। हाँ, मतलब कौन मेरी पार्टी में टाइम को आया, कौन नहीं आया? फूडी कौन होगा, जो जिसको जिसका पूरा कंसंट्रेशन फूड पे होगा? इफ वी टॉक अबाउट हेल्दी फूड, तो भूमि। भूमि। मतलब शी विल लुकिंग अराउंड फॉर हेल्दी फूड। कूल। Once again, तालियां हो जाए भाई, आरुषि ने काफी से जवाब दिए। ऑडियंस बताएं प्लीज कौन है ऑडियंस गायब है, ऑडियंस ही गायब है। हमारी ऑडियंस है ना जो कैमरे में देख रही है, किसको जाता है यहाँ पर? समीर भाई को। थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा जीत के? आंसू है। अरे मेरे काम के। काम के भाई, थैंक यू। थोड़ा कस्टमाइज कर दिया हमने। कहाँ रखूं? जिसको भी आंसर आएगा, आंसर दोनों को देने हैं, बट जो बेल बजाएगा वो पहले देगा, और जिसकी जिसका भी आंसर फनी होगा ना वो उनका विनर हो जाएगा। ओके। थोड़े फनी होने चाहिए आंसर। रेडी? अब आपको जो आंसर देने हैं, ये शॉर्ट सम हटा लेते हैं, ये हो गया है, डन। अब आपको जो आंसर्स देने हैं वो झूठ बोलना है। झूठ बोलना है? हाँ, जैसे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो समीर। हाँ, कुछ भी। सही जवाब नहीं देना है, एंड आपको आंसर देना है। तो पहले बेल बजा के आंसर देना है, उसके बाद दूसरे को भी देना है, ऐसा नहीं कि एक ने दिया तो दूसरे। बेल का जस्ट फॉर द फन, देखते हैं कौन प्रॉम्प्ट है किसके ज्यादा आ रहा है। ओके, व्हाट इज योर नेम? राजू। राजू, सॉरी। अच्छा, ओके। आपके बगल में कौन बैठा है? मैम। मैम खाला। क्या? खाला, सॉरी। आज कौन सा वार है? बुधवार। संडे। झूठ बोलना है? ठीक है, ठीक है, बट ठीक है, चलेगा। वो फिर मैस हो जा रहा है। ओके, कप में हम क्या पीते हैं? दूध। दूध, दूध तो पीते ही भाई, कप में दारू भी पीते? नहीं, नहीं पीते हम, दोस्त पीता था। नहीं, एक होगा सौ में, ग्लास में पीते हैं। तो कप बोला उसने। चलो, क्या हम पानी से नहाते हैं? नहीं, बताना है किस दूध से? दारू। ओके। आपका और कैटरीना का क्या रिश्ता है? मेरी बहन है। मेरा प्यार है। हो सकता है। एक एक करके बोलते जाएंगे, ठीक है? चलो, ओके। हम नेल पेंट कहाँ लगाते हैं? सर में। मेरे को बोलना है पहले। मुंह पे। ओके, आपका प्रोफेशन क्या है? सिंगर। डांसर। आप किससे चलते हो? मैं बाइसाइकिल से। हाथ से? हाथ से चलते। आपके दोस्त अच्छे हैं? अरे बहुत अच्छे। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे। ओके, आप आंखों से देखती हो? हाँ बिल्कुल। गलत बोलना था। कान से देखता हूँ, आंख से सुनता हूँ। ओके, व्हाट इज योर नेम? राजू श्रीवास्तव। शो के बाद कहाँ जाने वाले हो? मैं लद्दाख। लंदन। ओके, आपके कितने नाक हैं? मेरे पांच। छह। नाश्ते में आपने क्या खाया था? मैंने आज बटर गुलगुला रोटी। ठीक है। शो होस्ट कौन कर रहा है? मैं।
बेस्ट वे टू अर्न मनी? भाई ठीक है भाई, एंकरिंग बोल दे तुम, थैंक यू। ओके लास्ट, अ मैसेज टू फॉलोअर्स। डोंट फॉलो मी, घर तक आओ। सिर्फ वहां फॉलो मत करो, घर तक फॉलो करो। क्या बात है। ओके नेक्स्ट राउंड, चीटिंग नहीं। हाँ ठीक है। ओके सो मैं अभी मूवी का नाम लूंगा, आपको वो मूवी ड्रॉ करके बतानी है। मूवी ड्रॉ करके? हाँ जी। मतलब कैसे? मैंने सपोज मैंने बोला राजा की आएगी बारात मूवी, पिक्शनरी खेलना है। हाँ जी, तो आपको पिक्चर बनानी है अपने हिसाब से, जो भी अपने हिसाब से बेस्ट बनेगा वो होगा। चलो ओके, 3 2 1 गो। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। दिया दिया, अरे दिया वो जलता नहीं है। ये है हाथ बना दिया बना, ऐसे दिया बना दिया तेरे हाथ। ये क्या है, कैसा हाथ है ये? ये क्या गंदा हाथ है, ये वाला हाथ ना, बहुत गंदा हाथ है। मैं जीत गया, मेरे को बताना पड़ेगा इतना गंदा हाथ। दिया खाली है, मैंने अंधेरी रात भी अंधेरी रात ही बनाया इसने। हाँ अंधेरी रात, अंधेरी मून निकला हुआ है पूरा। अब इनके साइड होगा भाई, एंकर, एंकर का हो रहा है ना, ये गलत बात है। नहीं नहीं, इसने दो चीजें कवर करी ना। ओके नेक्स्ट वन थोड़ा बड़ा बनाओ, है ना। द नेक्स्ट वन इज कुवारा बाप। मेरा दोस्त की याद आ गई अचानक मुझे, ये कुवारा बाप। अरे ये तो गोद में आ गए, तीन बच्चे साथ में, तीन बच्चे हैं तुम्हारे, एक ये वाला इसको पॉइंट मिला। अच्छा तीन बच्चे हैं तो हमारा वैसे भी एक दो बच्चे लगा भी आगे बोलो। नेक्स्ट वन खून भरी मांग। अब हारू तो हारू भी मना लेना, मेरा लेकिन खून से अपनी मांग भरी है। इसने अपने हाथ से खून निकाल के मांगा, इसकी खून भरी मांग है। अच्छा हां, समीर भाई को पॉइंट जाता है। ओके नेक्स्ट वन, जाओ जीत रहा हूं मैं, जीत रहा हूं। पॉइंट जोर कर रहा है कि नहीं, कितना पॉइंट है? ओवरऑल गेम पे डिसाइड होगा ये। बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। सॉरी डन, चोरी कर रहा है। बहुत गंदा वाला लिख रहा, क्या चोरी कर रहा है? मगर ऊपर चोरी कर रहा है, पर्स पर्स पर्स। अरे चोर था इस पिक्चर में भाई। लास्ट वन, आराम से टाइम लेके बनाना, बढ़िया बनाना। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के, लड़का गोल गोल घूम रहा है, नाच रहा है। बना दिया इसने पूरा, बाद में तो बनाया लेकिन मैंने फिर बारिश बनाया है, ठीक है, हवा के साथ। हवा भी है बारिश भी है, नीचे पानी भी है, ये झूम कर आ रहा है इसका वाला सामान। ये डायरेक्ट बाहर आ रही समीर, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल रहना है। ये देखो ना पूरा झूम रहा है, ऊपर से भी आया नीचे से भी आया, यहां भी नीचे भी पानी भरा है, यहां तो मैं स्पाइडरमैन को रख रहा हूं। मैं जीत गया। छिछोरे, हां छिछोरा, ये तो मैं मूवी लिखी है। इसके लिए एक सरप्राइज दे रहा हूं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए। वो खुद दे देगा, मैं जीतूंगा, मैं छिछोरा नहीं हूं, मैं छिछोरा हूं। गाइस देखो मैं नहीं हूं, ये लड़की को छेड़ा इसने, तो लड़की बोल रही है छिछोरा। कहां से लगा छेड़ा? ऐसा करा ना डिक्शनरी। मुझे मिलना चाहिए पॉइंट। यस, किसको मिलेगा भाई पॉइंट? मुझे, समीर को नहीं, मुझे दिस वन, दिस वन, ये वाला थ्री आइटम सॉन्ग्स, चमेली, बदनाम हुई, आएगा आपके पास आएगा भाई साहब। आई एम सॉरी सर, अरे फिर तो मुझे वो अभी आ गया ना दिमाग में। हाँ चलो बता तो, थ्री आइटम चमेली, शीला, मुन्नी बदनाम, थ्री साउथ इंडियन डिश, डोसा, उत्तपम और रवा इडली, थ्री गरम मसाला, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो डालते हैं गरम मसाले में। गरम मसाले में नहीं, मसाले गरम, मसाले बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, तीन इंग्रेडिएंट्स, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। थ्री मैरिड कपल इन बॉलीवुड, रणबीर दीपिका, सैफ करीना और शाहिद रणबीर। थ्री बियर्स नेम,
करोना, किंगफिशर एंड मैग्नम। थ्री पराठा, आलू पराठा, गाजर पराठा एंड छोले पराठा। थ्री एंकर्स, अमन, आयुषी, आकांक्षा। ओके। थ्री टाइप ऑफ पनीर की सब्जी, पनीर लबाबदार, पनीर कढ़ाई और पनीर मसाला। ओके। थ्री यूज ऑफ कोकोनट, कोकोनट की चटनी और कोकोनट जो लड्डू बनते हैं, कोकोनट लड्डू एंड कोकोनट फॉर गार्निश। ओके। थ्री टूथपेस्ट कंपनी नेम, कोलगेट, सेंसोडाइन एंड पेप्सोडेंट। थ्री मेल बॉडी पार्ट, फीमेल बॉडी पार्ट तो फीमेल मेल ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी हां, लेग्स, नोज। ओके। थ्री टाइप ऑफ चटनी, टमाटर की चटनी, हरी धनिया की चटनी एंड पुदीना चटनी। थ्री पोहा पॉइंट इन रायपुर, शंकर नगर एंड वो साहू पोहा पॉइंट, जयस्तम एंड वन इन दिस वीआईपी रोड। ओके। थ्री बेस्ट मोमोज इन रायपुर, मोमोज अड्डा, दार्जिलिंग मोमोज एंड। थ्री ब्लॉगर नेम, आदर्श, आकृति एंड फूड पिज्जा। थ्री टाइप ऑफ रायता, बूंदी रायता, वेजिटेबल रायता, पाइनएप्पल रायता। थ्री बेस्ट कैफे इन रायपुर टू हैंग आउट, सिगरेट कंपनी नेम, आई डोंट स्मोक, अल्कोहल नेम, अल्कोहल नेम बता सकते हैं, गो ऑन, लास्ट चाहिए, गो ऑन, ब्लेंडर्स, वैलेंटाइन एंड योर। क्या बात है, ये खाने पीने का मुझे नहीं मालूम, तुम जीत गए हो जाओ इसमें। हाँ सर, थोड़े से मैं क्वेश्चन देख लूंगा आगे। मैं पहले हार गया, मैं बोल। हाँ चलो, थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स, कुछ भी। तुम हो, तेरे नाम, कभी कभी, हाँ कभी। ओके। तीन घूमने की जगह रायपुर में, कहीं भी, वीआईपी रोड, फुल चौक, घूमने की जगह, अरे यार घूमने की जगह ना, रायपुर, मनाली, कश्मीर। ठीक है चलो, सॉरी मैं इधर इधर में घूम गया थोड़ा। थ्री पेट एनिमल, डॉग, कैट, कैट का बच्चा, कैट का बच्चा, राइट, अरे मतलब वो। हाँ। थ्री कलर्स, डार्क कलर्स, ब्लू, ब्लू और ब्लैक, मैं हार के पहले बोला था। अरे कंप्लीट करते हैं ना। चलो। थ्री फेस्टिवल, ईद, दिवाली, होली। ओके। थ्री हेल्दी फूड, हेल्दी चिकन, मटन, फिश। थ्री सीजी डिश अपन जो खाते हैं छत्तीसगढ़ में, तीन कोई भी, कोई मतलब छत्तीसगढ़ में खाते हैं वो तो नॉर्मली चावल, कड़ी चावल और क्या नहीं, खाते नहीं, थोड़ा ऑथेंटिक मतलब कैसा, चीला, हाँ चीला खाते हैं और साबूदाना का बड़ा खाते हैं और एक गीला चावल खाते हैं, गीला चावल लाइक पानी वाला, पानी डाल के। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड। थ्री फ्लावर्स, रोज, देखो यार हेल्प कर रही है आपकी वो। रोज, रोज की मम्मी, रोज का पापा। हाँ। चलो। थ्री आइसक्रीम फ्लेवर, वैनिला, वैनिला की मम्मी, वैनिला की पापा। थ्री जंक फूड, ठीक है कुछ भी मतलब पिज्जा, नूडल्स, नूडल्स की पापा, पिज्जा, नूडल्स, ओके, नूडल्स से पापा खा रहे हो। थ्री यूज ऑफ पोटैटो, आलू का तीन यूज होगा, चिप्स, सब्जी में डाल दे तो और हो गया। हाँ, फिंगर चिप्स, बात करिए डार्क सदर्स की, हाँ फेस के लिए यूज होता ना। ओके। तीन साबुन की कंपनी का नाम, लक्स, सिंथोल, ये क्या होता है इसको, डिटॉल। थ्री बीच डेस्टिनेशन इन इंडिया, सी बीच, गोवा, ये अपना ओडिशा में भी है ना, क्या बोलते हैं इसको, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी और थ्री सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब नाम बताओ छत्तीसगढ़ के, तीन सिटी, कोई रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। कूल,
क्या बोलती पब्लिक, हार गया मैं, हार गया मैं, हार गया मैं, जानबूझ के जिताया हूँ, कितना जीत रहा हूँ, कितना जीतूंगा बताओ ना यार, एक गिफ्ट जीत लिया, हारने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, इतना नहीं जीतना मुझे, देखो इतने भोले भाले चेहरे को उदास हो गया था, कोई बात नहीं जीत, एक एक लास्ट, अरे बस नहीं, आपका एक लास्ट डायलॉग के साथ शॉट लेना है, एक बढ़िया सा, कुछ भी, कौन सा, कुछ भी नहीं, पहले आप सर, किसी चीज को अगर पूरी दिल से चाहो तो सारी कायनात उसकी मिलाने की साजिश में लग जाती है, ठीक है, ओके मैम योर टर्न, लास्ट क्या डायलॉग है, द सेलेब्स काउच के बारे में होस्ट करना है आपको, एंड द शो इज गोइंग टू नो ब्लास्ट, 3 2 1 गो, टिक, सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल है आसमान और मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, तो हम आए हैं सेलेब्स काउच में और ये रास्ता हमने खुद तय किया है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, आप भी मेहनत करिए और जल्दी से मैं चाहूंगी आप में से कुछ लोग यहाँ इस काउच पे मिले, ऑल द बेस्ट, और अब तक हम लोग यहीं बैठे हो गए, ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा, कूडोस टू बोथ ऑफ यू मैडम, ये तो बिल्कुल ये गिफ्ट मैं लेना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरा दिल आया हुआ था ना, इसलिए मैं जानबूझ के हार गया, यू विल लव, Welcome to the Celebs Couch.